पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आपातकाल पर बोले योगी सरकार के राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने कहा कि आज ही के दिन लोकतंत्र की हत्या करने का काम इंदिरा गांधी ने किया था और कांग्रेस के युवराज विगत चुनाव के दिनों में जो संविधान को उठाए घूम रहे थे, जो इस देश में सबसे बड़ा खिलवाड़ आज तक किया है, तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। देश के अंदर 90 सरकारों को गिराने का काम उस समय की केंद्र की कांग्रेस सरकारों ने किया। जामिया मिलिया के अंदर ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। 75 संशोधन संविधान में कांग्रेस ने किए। वहीं संसद सत्र के दौरान गठबंधन के सांसदों द्वारा अपने हाथों में संविधान की प्रति ले जाने पर बोले योगी के मंत्री कि वो एक कहावत है ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, ये उन्होंने साबित कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष का पद एक सर्वमान्य और सर्वसम्मति से चुनाव होने वाले पदों में आता है। विपक्ष ने उस पर अपना उम्मीदवार उतारा है, ये उनके ज्ञान विवेक पर निर्भर है कि वो संसद को किस रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो हमारे पास केंद्रीय नेतृत्व हमारा तय करेगा उसको किस रूप में आगे लेकर के चलना है। और देश के स्वतंत्र भारत के इतिहास में लोकतंत्र की हत्या करने का यदि सबसे कुत्सित कार्य और सबसे कुत्सित प्रयास किसी ने किया था, वो कांग्रेस की सरकार में उनकी तत्कालीन नेत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। देश के अंदर आज ही के दिन आपातकाल लगाकर कांग्रेस के जो युवराज विगत चुनाव में जिस संविधान की किताब को उठाए घूम रहे थे, इस देश के अंदर संविधान के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ यदि किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आर्टिकल 356 के तहत देश के अंदर ऑन डॉक्यूमेंट है कि 90 सरकारों को घेरने का काम केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने किया है। जामिया मिलिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर ओबीसी और एससी एसटी आरक्षण खत्म करने का काम संविधान में संशोधन करके ये काम यदि किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। 75 संविधान संशोधन यदि किसी ने किए तो वो कांग्रेस की सरकार ने किए। तो संविधान के जो संविधान की किताब लिए संविधान के रक्षक बनने का जो काम कर रहे थे उनको अपने अतीत के बारे में सोचना चाहिए। गंभीर संसद में संविधान लेकर पहुंचे पुराल पर, ऐसा है ना कि वो एक कहावत है समाज के अंदर कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं, तो इसी का पर्याय और इसी का जो प्रमाण है वो कांग्रेस ने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा मायावती लगातार ये कह रही है कि अब भाजपा और कांग्रेस लगातार लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं और पूंजीवादी और जातिवादी की राजनीति। 2014 से 2024 तक इस देश के अंदर विकास की गंगा बहाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास और सबके विश्वास को साथ लेकर प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। अनेकों ऐसे पैमाने हैं, अनेकों ऐसे आंकड़े हैं जिससे मैं आपको बता सकता हूं कि विकास में क्या क्या काम हुए। लेकिन अब एक दूसरे दल की नेता है, उनके कहे हुए किसी कथन पर मेरा टिप्पणी करना कोई उचित मुझे नहीं लगता, लेकिन ये उनको व्यक्तिगत रूप से सोचना चाहिए कि पूंजीवाद का आरोप हमारे ऊपर लगाकर वो स्वयं कितनी पूंजी की पक्षधर है ये समाज जानता है, मुझे इस पर बोलने की आवश्यकता नहीं। वो जिस दल के सांसद हैं उस दल की जब प्रदेश में सरकार होती है तो व्यक्ति वही आचरण करता है जैसा वो अपने आप में अनुकूलता पाता है। तो जिस दल के वो सांसद हैं जब उस दल की 12 से 17 तक प्रदेश के अंदर सरकार रही है तो प्रदेश के अंदर वाकई आपातकाल जैसे हालात रहे हैं। तो चूंकि वो आपातकाल की सरकार उन्होंने 5 साल चलाई है, इस प्रदेश की जनता को जिस प्रकार से उन्होंने ठगने का, जिस प्रकार एक वर्ग विशेष के लोगों को अनुचित लाभ देने का काम उनकी सरकारों ने किया है, तो आपातकाल की स्थिति उनको से वो अवगत हैं, इसलिए जैसा उन्होंने आचरण किया है 5 साल ऐसा ही वो वक्तव्य देंगे। इसके अलावा जो पेपर भर्ती के जो पेपर हैं वो लीक होने वाला है, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून को मंजूरी दे दी है उत्तर प्रदेश से जो सार्वजनिक परीक्षा का आदेश है, किस तरह से देखते हैं क्या करें? प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार चाहे वो किसी भी प्रकार का अपराध हो उस अपराध को कुचलने का काम
2017 से 22 तक हमने किया, 22 से 27 तक हम लोग कर रहे हैं। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कानून का राज उत्तर प्रदेश के अंदर कायम है, जिसको लेकर के आपने चर्चा की है। अगर उसमें ऐसा कोई मामला संज्ञान में प्रदेश के आएगा तो आज जो हमने पास किया है उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? देखिए, जब कोई कानून बनाया जाता है उस कानून का लाभ जनता को ही मिलता है, और मेरा ये मानना है हमने जितना कठोर कानून हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया है उससे इस प्रकार का अपराध करने वाले अपराधियों के अंदर दहशत पैदा होगी। मंत्री जी, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं बात करूंगा छत्रे समाज की। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान हुआ छत्रे समाज से, बड़ी बड़ी पंचायतें हुई हैं आप ही के जनपद में, क्या है आगामी 2027 को लेकर क्या? वो पंचायतें एक एजेंडे का हिस्सा थी। मेरा समाज वो समाज है जिस समाज में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान ने जन्म लिया है। मेरे समाज के इन तीनों क्षत्रपों ने राष्ट्रवाद की रक्षा के लिए, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए सदैव काम किया है। विघटनकारी ताकतों को देश के तोड़ने के लिए मेरे समाज ने कभी ना वोट किया है ना काम किया है। रही बात आपने मेरे समाज को लोकसभा के चुनाव में मतदान की, सहारनपुर से बलिया और सोनभद्र से गाजियाबाद, प्रत्येक लोकसभा के, प्रत्येक विधानसभा के, प्रत्येक बूथ मेरे समाज के गांव को उठा करके देख लीजिए, एक भी गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी पराजित नहीं हुई है, नहीं एक भी बूथ पर। मैं सर की सोम और संजीव आजाद की बात कर रहा हूं, वहां देखिए क्या रहा नहीं, मैं वहां का भी आपको बता देता हूं, किसी भी गांव में पराजित नहीं हुए हैं, वहां का भी उठवा लीजिए, मैं तो खुल करके कह रहा हूँ। और दूसरी बात, रही बात संगीत सोम जी और संजीव बालियान जी की, ये हमारे परिवार का मसला है, हम उसको परिवार में सुलटा लेंगे। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।